वेलकम टू दी प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। आज का जो न्यूज हाईलाइट हुआ है उसमें एमओयू साइन हुआ है, यस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज, जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में एमओयू साइन किया गया है। इंडिया की जो कंपनी है प्रसार भारती एंड इजिप्ट का जो नेशनल मीडिया अथॉरिटी है, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। और इस एमओयू का मेन पर्पस ये है कि उनके कैपेसिटी बिल्डिंग को ज्यादा ज्यादा उच्च स्तर पर मजबूत करना और को प्रोडक्शन जो है उसको इजी वे में करना, इस एमओयू का मेन मोटिव है। ये एमओयू जो है वो दो लोगों के बीच में साइन हुआ है, जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं समय हसन शौकरी उनके बीच में, और हमारे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर, इनके बीच में इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है। ये जब एमओयू साइन हो रहा था तो उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहां पे उपस्थित थे, उनके साथ साथ इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहां पे उपस्थित थे। इस एमओयू का जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें जो देखा गया है कि इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किया जाएगा, तो इसमें जो ब्रॉडकास्टर हैं जो प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी, इनके जो भी चीजें हैं उनको जो भी प्रोग्राम है उनको बायलेटरल बेसिस पे शेयर किया जाएगा। इसमें कैटेगरी दिया गया है कि किस किस चीजों को शेयर किया जाएगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, न्यूज, कल्चर, एंटरटेनमेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको शेयर किया जाएगा बायलेटरल बेसिस पे, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और इस ये जो प्रोग्राम जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ये रेडियो और टेलीविजन ये दोनों पे दिखाया जाएगा। तो ये इसमें इस जो एमओयू साइन हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सब चीजें ये दोनों जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इनके बीच में की जाएगी। इसके साथ साथ ये एमओयू से भी एमओयू के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसको को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएगी, जिसका थीम है म्यूचुअल इंटरेस्ट को और नॉलेज को शेयर करना। इनके इसके द्वारा ही सब चीजों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो एमओयू है इसका वैलिडिटी जो पीरियड है वो 3 साल के लिए ही बस है। तो ये जो है ये एमओयू साइन हुआ है कि जिससे हर एक चीजों को इजी बनाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी की जाए। ये जो इस बार के जो हमारा रिपब्लिक डे 2023 था उसमें हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। और इस बार का थीम अगर मैं आपको बताऊं रिपब्लिक डे का, तो जन भागीदारी था इस बार का थीम, मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो ये इसका इस बार का रिपब्लिक डे का थीम था। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे जो श्रमिक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, इनको यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा गया था। इस बार के रिपब्लिक डे में ये चीजें बताई गई थी। ये बहुत अच्छी बात है कि इनको भी, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गरीब है, जो कम कमाते हैं, एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो डेली वेजेस पे रहते हैं, उनको इस बार के रिपब्लिक डे पे प्रायोरिटी पे रखा गया था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पे डेली वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको डेली वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे डेली करंट अफेयर के वीडियोज रहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहते हैं, तो वहां पे भी विजिट करके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज की न्यूज क्या है। और डेली न्यूज पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो सब चीजें आपको इजी मिल जाएगी, आप इजी अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।